बशीर बद लिखते हैं, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। अब दो बच्चों की 35 साल की मम्मी ने अपने 18 साल के प्रेमी के साथ कुछ ऐसा काम किया कि लगे हाथों इश्क चिल्ला उठा, पगलो उम्र का तो लिहाज करते कसम से। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी के बीना बारह गांव से जुड़ी है, जहां दो बच्चों की मम्मी अपने 18 साल के प्रेमी के साथ करवा चौथ के एक दिन पहले रात उत्कल एक्सप्रेस बनकर प्रेमी के साथ भाग खड़ी हुई कसम से। अभी तो अब वो आओ तो सो अपन ने पूछी कि कहाँ से आए हो, तो उनने के छिंदवाड़ा से आए हैं। तो हमने बहू से पूछी, बेटा कि आप जो कौन आए, कि हमने बहन को लड़का आए। आया सो अपने खाना खाओ बेटा और रात भर सोए उमदा है। हमने कही के भीतर सो आ ले 11 बजे, लो अपने सोच रहे, हम और सोच रहे तो भीतर हमारे छोटवार और हम ए हम और कुछ जानकारी नहीं है बेटा, बासन भाड़े उन्ना लगता बेक में सब तैयारी करके और अपने निकल गए 11 बजे। हाँ उसी लड़की के साथ तो छोटे बारे ही लगे संग। पति देव रजपुरी गोस्वामी सोच रहे थे कि उनकी पत्नी आने वाले दिन करवा चौथ के दिन उनकी चलनी में चंद्रमा और उनका मुंह देखकर व्रत तोड़ेगी, लेकिन करवा चौथ के एक दिन पहले उनकी मोहब्बत चलनी चलनी हो गई कसम से। चंद्रमा की चांदनी अपने पति को दगा देकर भाग खड़ी हुई। असल में रजपुरी गोस्वामी की शादी 15 साल पहले छिंदवाड़ा में ज्योति के साथ हुई थी, दो बच्चे भी थे। करवा चौथ के एक दिन पहले अचानक छिंदवाड़ा से 18 साल का नौजवान पंकज आया, जिसने कहा कि वह ज्योति का बहन का लड़का है। रात को वह घर में रुका, उसने और ज्योति रानी ने पूरे घर को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। सब सोते रहे और देर रात को सोने चांदी के जेवरात के साथ नकदी 45,000 रुपए लेकर ज्योति रानी पंकज की रातों रात घर से भागकर चांदनी हो गई कसम से। साथ में वो एक बेटे को भी ले गई। तो आया बोलने लगा, आप इंदौर चल रहे क्या? हमने बोली अभी नहीं जा रहे, दीपावली बाद जाएंगे हम। तो बोलने लगा हम तो निकल जाएंगे सुबह। तो वो रात रुका और रुकने के बाद खाना आना खिलाया, उसको सुलाया रात में और हम भी सो गए बिस्तर में। और उसके बाद में 11 बजे जो नींद हमारी खुली, तो उसके बाद में पता चला कि बच्चा भी नहीं है और मैसेज भी नहीं और गाड़ी भी नहीं। तो हम दोनों भाई कमलेशपुरी को हमने बुलाया और उसको फिर हमने कही अपन चलें गाड़ी से। उतना छिंदवाड़ा का है हमारी ससुराल के पीछे मकान बना, उसका नाम है रंकज। आगे क्या घटना हुई? रंकज गोस्वामी। अब आजकल मोहब्बत बड़ी रेडीमेड हो गई है, 3-4 दिन के ईलू ईलू में नौबत सारी तक पहुंच रही है कसम से। अब बताया जाता है कि ज्योति पूर्ण बालक की ABCD कंप्लीट कर चुकी है, वहीं 18 साल के पंकज तो अभी अभी बालक की सीढ़ी चढ़े हैं और लगे हाथों एक 35 साल की मम्मी ज्योति से ईलू ईलू करने के बाद मोहब्बत के पावर हाउस बन गए कसम से। मामला अब थाने में है। कानून ने महिलाओं को गजब के अधिकार दिए हैं कि 35 साल की महिला 18 साल के लड़के से सेट होकर इश्क की सैटेलाइट बन जाए और उसका कुछ नहीं हो सकता है कसम से। इस कहानी में प्रेमी पंकज वो है, जब ज्योति की शादी हुई थी तब वो 3 साल के थे। 15 साल में उन्होंने इतनी तरक्की की कि चलती फिरती इश्क की शादी शुदा औरत पर हाथ साफ कर नई लैला मजनू की कहानी लिख दी कसम से। बीते साल उनका ईलू ईलू शुरू हुआ था, जो करवा चौथ के एक दिन पहले कंप्लीट ईलू ईलू हो गया कसम से। हम और आप उनके इस दाम्पत्य जीवन को शुभकामना देने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते हैं कसम से। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।